मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। आप इस जगह को देख रहे हैं? इसे पार करना आसान नहीं होगा। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। नदी के रास्ते हम एक बस्ती तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले तो इसके नीचे उतरना होगा। अरे मुझे हाथ धो दो जरा भाई। फिसलन भरी गीली चट्टान पर चढ़ने के मुकाबले उतरना ज्यादा आसान। देखिए मेरा डंडा तो बह गया, मगर मुझे यहीं से जाना होगा। आप वो कुंडा देख रहे हैं ना, इतने तेज पानी में है, उसके सहारे पार जा सकता हूँ। तुम लोग यहीं रुको। आप इतनी खतरनाक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हो तो हर मुमकिन तरीके से अपना जोश बनाए रखें। इस तालाब में एक कैटफिश है, यहाँ ये भी पता नहीं लगता कि आगे क्या मिलने वाला है। इस तालाब में एक कैटफिश है, देखिए वो उस पत्थर के पीछे छिप गई, उस घास के पीछे है, वो देखिए वो वहां पर हिल रही है। हाँ एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ एक बांध बना सकते हैं। यही रुको। दुनिया में हर जगह ताजे पानी में कैटफिश मिलती है और उसकी हर प्रजाति खाने लायक होती है, मगर सबसे बड़ी कैटफिश होती है दक्षिण वियतनाम की, जो करीब 3 क्विंटल तक की हो सकती है। ये तो उसके मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन मेरे लिए काफी है। देखा आपने, वो अभी भी यही है। करने के लिए यहाँ बांध बना ही देते हैं, फिर वो बाहर नहीं जाएगी। यही रुकना। ठीक है, अब यहाँ इस जगह पर एक कैटफिश फंस गई है और मेरे पास इतना वक्त है कि मैं अपने लिए एक वर्षा बना लूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप नदी में मौजूद खतरों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, लेकिन ये एक सबूत भी है कि नदी कितनी खतरनाक हो सकती है। रुको रुको। जंगल में जैसे ही शाम ढलती है, शरीर में नई जान सी आ जाती है, क्योंकि तब तापमान कम होने लगता है। लेकिन यहाँ अंधेरेखा के पास शाम जल्दी ढलती है, इसलिए अंधेरा होने से पहले खाने और सोने का इंतजाम करना बहुत जरूरी है।